तो अब हम समझेंगे स्विच केस, कि स्विच केस क्या है। तो स्विच केस तुम लोग बोल सकते हो ये इफ एल्स का ही ऑल्टरनेटिव है, थोड़ा दूसरा वे में इफ एल्स हम यूज कर रहे हैं। और इफ एल्स का बहुत मतलब इफ एल्स का जो मेन यूज है ना, तो हम स्विच केस के मदद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये स्विच केस एक्चुअली है क्या। ठीक है, स्विच केस, अच्छा छोड़ो, स्विच केस समझने से पहले मैं तुम लोग को ये प्रोग्राम समझाता हूँ कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम समझते समझते तुम लोग को स्विच केस समझाऊंगा और भी आसान होगा तुम लोग को समझने। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है। ये प्रोग्राम एक्चुअली है, अच्छा मैं ये प्रोग्राम ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हूँ, तो मतलब टाइम सेव करने के लिए। ये तो एक बड़ा प्रोग्राम है ना, लाइक बहुत सारा लाइंस है, इसलिए मैं ऑलरेडी लिख के आया हूँ और ये तुम लोगों को कंपाइल करके समझाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज समझते हैं ये चीज क्या है। तो स्विच केस मतलब पहले ये प्रोग्राम समझते हैं, मतलब प्रोग्राम का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो हमारा वीक में ना 7 दिन होता है, 7 डेज, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, और हम कंसिडर करते हैं संडे ना हमारा वीक का पहला दिन। ठीक है, तो अगर हम वो एक नंबर सिस्टम फॉलो करेंगे ना इस चीज में, तो हम संडे को 0 अलॉट कर सकते हैं। डे नंबर के बेसिस में हम संडे को 0 अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, संडे 0 होगा तो मंडे 1 होगा, ट्यूसडे 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, थर्सडे 4 होगा, फ्राइडे 5 होगा, सैटरडे 6 होगा। ठीक है, तो हमें ये स्विच केस का मदद से क्या करना पड़ेगा, हमारा ये प्रोग्राम में हमें एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से फ्रॉम 0 टू 6। और अगर यूजर वो 0 टू 6 नंबर में इनपुट दिया, हमें उसका रिस्पेक्टिव डे दिखाना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल, अगर 0 दिया तो हमें संडे दिखाना पड़ेगा, अगर 1 दिया तो हमें मंडे दिखाना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली। और अगर यूजर कुछ 6 के ग्रेटर देन कोई नंबर दे दिया, मतलब जो 6 से बड़ा है जो नंबर, हमें तब कुछ दिखाना पड़ेगा यूजर को कि भाई ये इनवैलिड इनपुट है, तुम 0 से 6 में ही कुछ दो। ठीक है, और अगर कुछ नेगेटिव भी देगा तो सिमिलरली हमें सेम आउटपुट दिखाना पड़ेगा कि इनवैलिड प्लीज एंटर द 0 टू 6। तो केस स्विच केस में क्या होता है, स्विच केस में पहले मैं प्रोग्राम से तुम लोगों को समझाता हूँ। पहले तो तुम लोगों को ये इनपुट लेना पड़ता, ये तुम डायनेमिक वैल्यू भी ले सकते थे, पर सॉरी सर स्टैटिक वैल्यू भी तुम लोग इधर ले सकते थे, पर मैं इधर स्कैनर क्लास से ही लिखा हूँ, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड द प्रोग्राम फ्रॉम, मतलब पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हूँ। अगर प्रोग्राम में लिखना पड़ता ना, तब मैं ये अवॉइड ही करता, क्योंकि बहुत टाइम ले लेता लिखने में। छोड़ो, ये समझते हैं अब प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं स्कैनर के मदद से एक इनपुट लिया, डे नंबर। ठीक है, अब ये डे नंबर मैं ये स्विच से पास कर रहा हूँ। अब ये 6 केस है, ठीक है, 6 केस है। 6 केस क्यों है, अगर ये जो वैल्यू है डे नाम का, अगर 0 होगा तो ये कंडीशन होगा, 1 होगा तो ये कंडीशन होगा, 2 होगा तो ये कंडीशन होगा, 3 होगा तो ये होगा, 4 होगा तो ये होगा, 5 होगा तो ये होगा, 6 होगा तो ये होगा, और डिफॉल्ट अगर भाई कोई कंडीशन ही मैच नहीं होगा तो ये वाला चेंज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा, थोड़ा साइज में ये तुम्हें दिखने में बड़ा लग सकता है, पर ये बहुत ही सिंपल है अगर तुम प्रॉपरली इस चीज को ना एनालाइज करोगे। तो एक क्वेश्चन है तुम लोगों का दिमाग में आना चाहिए अभी तक, अगर नहीं आया तो तुम लोग वीडियो ठीक कंसेंट्रेट करके नहीं देख रहे हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भाई, ये केस तो समझ में आया, पर हम इधर ब्रेक क्यों यूज कर रहे हैं, ब्रेक का जरूरत क्या है। इफ एल्स में तो हम कोई ब्रेक यूज नहीं किया, बट इधर क्यों ब्रेक हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इधर हम ब्रेक इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर हम ब्रेक यूज नहीं करते, अगर ये तब क्या होता, एक्चुअली तब ये मतलब क्या होता, अगर 0th कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, तब ये इस वाले कंडीशन में भी चला जाता, ये भी चेक करता। अगर इसमें भी ब्रेक नहीं होता तो अब इसमें भी चेक करता, अगर इसमें भी ब्रेक नहीं होता तो अब ये इसमें भी चेक करता। तो हम ब्रेक इसलिए यूज कर रहे हैं कि
कि अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम तुरंत लूप से निकल जाएंगे। लूप मतलब ये स्विच से निकल जाएंगे और डायरेक्टली आउटपुट शो करके निकल जाएंगे, पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरा एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। तो ब्रेक का जरूरत यही है कि अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, हम काम खत्म करके पूरा प्रोग्राम से एग्जिट मार लेंगे, ठीक है। और ये डिफॉल्ट का काम क्या है, डिफॉल्ट का काम है कि अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तब ये डिफॉल्ट को हम रन कराएंगे। मतलब ये डिफॉल्ट का जो अंदर चीज है ना, मतलब इधर है इनवैलिड प्लीज इंटर द 0 to 6, वो मतलब दिखाएगा, ठीक है। तो एक बार हम रन करते हैं, क्या होता है देखते हैं। कंपाइल कर लेते हैं, क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर। इसके बाद हम देखते हैं, वीक डे पूछ रहा है, डे हम 4 देते हैं, थर्सडे, ठीक है। तो हम कुछ और भी दे सकते हैं, दे के देखते हैं। 0 देते हैं, संडे, फाइन। अब हमें डिफॉल्ट केस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ उल्टा सीधा देते हैं, देखते हैं कुछ दिखाता है कि भाई हमें इनवैलिड है या 0 से 6 के अंदर देना चाहिए, तो वो चीज भी हम देखेंगे। 9 देते हैं, इनवैलिड प्लीज एंटर द 0 to 6। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर स्विच केस। तो अब हम आते हैं नोट्स में। वैसे तो नोट्स का सारा चीज मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। और ये नोट्स तुम लोग हमारा वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो, हमारा वेबसाइट notebooklive.in से। इधर नोट्स का एक स्पेसिफिक सेक्शन है, तुम लोगों को हर चैप्टर वाइज, मतलब हर सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। उधर से नोट्स ले लेना। और ये नोट्स में जो जो चीज़ है थियोरी, इट्स मोर देन इनफ। और जो जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस किया इस वीडियो में और पिछले वाले वीडियोस में भी, तो वो तुम लोग जब मैं समझाऊंगा तो कॉपी पेन में नोट कर लेना। तुम्हारा क्लास 10 का ICSE एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ रहा हो, मतलब सारा टॉपिक ही कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं नोट्स में क्या है। इफ एल्स तो हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के मदद से प्रोग्राम में डिस्कस किए, सिमिलरली इफ एल्स भी। और ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा है इफ और एल्स इफ को एक साथ यूज करना, ठीक है। इधर तुम लोगों को एक बेसिक सा डेफिनेशन में दिया हो, एक छोटा एग्जाम्पल दिया हो, मतलब सारा केस में एक छोटा एग्जाम्पल दिया हो और उसके साथ उस एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। तो पढ़ लेना एक बार, जो मैं समझाया हूँ वही चीज़ है, मतलब कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए मैं जस्ट स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, देख लेना ये चीज़ का, तुम्हारा इफ और एल्स इफ का, मतलब एक साथ जब यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेस्टेड इफ, जो मैं वो ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम्पल, ड्राइविंग टेस्ट का एग्जाम्पल से डिस्कस किया, सेम चीज़ ही है, तुम्हारा एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन। अब एक एक्स्ट्रा एडिशनल टॉपिक है जिसको हम बोल सकते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में 0 पास करके, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली करता है, मतलब एक अनयूजुअल टर्मिनेशन होगा प्रोग्राम का। मतलब अगर तुम लोग चाहते हो, कुछ प्रोग्राम में ज़रूरत लगता है कि भाई ये प्रोग्राम को ना इधर ही टर्मिनेट कर देते हैं, मतलब बाकी लाइंस ऑफ कोड्स एग्जीक्यूट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर तुम लोग ये सिस्टम डॉट एग्जिट और ब्रैकेट में 0 पास कराओगे तो एक अनयूजुअल टर्मिनेशन हो जाएगा इस प्रोग्राम का। और इसका सिंटैक्स तो लाइक सिंपल, या सिस्टम डॉट एग्जिट ब्रैकेट में तुम्हें 0 पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट, जो मैं डिस्कस किया वो डे वाला प्रोग्राम से ना, मतलब तुम्हारा डे दे देगा और डे नंबर से तुम्हें काम करना पड़ेगा और तुम्हें डे शो करना पड़ेगा। अगर डे 0 होगा तो संडे, 1 होगा तो मंडे, ऐसे ऐसे। तो ये भी गया, और इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, देख लेना एक बार। मतलब ये लोग ये चीज़ ना याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग एक बार पढ़ भी लेना, और हम मैं जो वीडियो ये दे रहा हूँ ये अगर एक दो बार रिवाइज भी कर लेना, ये देख के तुम्हारा मतलब क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ कुछ टर्म्स रिलेटेड टू स्विच केस। कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल भाई क्या है, डेफिनेशन तुम लोग पढ़ लेना, मैं तुम लोग को सिर्फ फील दे रहा हूँ। कंट्रोल वेरिएबल हम स्विच के ब्रैकेट में एक केस वेरिएबल पास करते हैं ना, मतलब वो केस वेरिएबल ही है तुम्हारा कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। क्या लिखा है, द वेरिएबल पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द स्विच स्टेटमेंट दैट डिसाइड्स व्हिच केस इज टू बी एग्जीक्यूटेड। तो वो वाला ही चीज़ ही है जो मैं बोला,
केस वेरिएबल मतलब स्विच केस जो ब्रैकेट में हम फंक्शन में जो पास कराएंगे, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट यूज्ड एट द एंड ऑफ ईच केस विच एक्ट्स एज द केस टर्मिनेटर एज सुन एज द ब्रेक इज एनकाउंटर्ड द कंट्रोल इज फोर्स टू मूव आउट। मतलब एक केस में हम ब्रेक क्यों देते हैं, क्योंकि अगर वो केस सेटिस्फाई हुआ हम नेक्स्ट केस में जंप नहीं करेंगे, इसलिए हम ब्रेक यूज करते हैं। डिफॉल्ट केस का काम है, डिफॉल्ट केस का काम है अगर कोई भी केस सेटिस्फाई नहीं हुआ तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा फॉल थ्रू। फॉल थ्रू क्या है, फॉल थ्रू का बेसिक आइडिया है अगर तुम ब्रेक नहीं यूज करोगे तो वो नेक्स्ट वाला केस भी एग्जीक्यूट कर लेगा तुम्हारा प्रोग्राम, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा मतलब ये केस एग्जीक्यूट हो गया तो मतलब प्रोग्राम हमें लीव कर देना चाहिए, उसको ये समझ में नहीं आएगा। वो मतलब नीचे नीचे प्रोग्राम रीड करता जाएगा और तुम्हारा एग्जीक्यूट करता जाएगा, मतलब केस के अंदर जो स्टेटमेंट्स होगा। तो यही लिखा है, इन केस अ ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ केस द कंट्रोल एंटर्स इन टू द नेक्स्ट केस ऑफ एग्जीक्यूशन, दिस कंडीशन इज सेट टू बी फॉल थ्रू। तो ये था तुम्हारा मतलब पूरा कंसेप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का जावा में। तो ये वीडियो एक बार देख लेना, मतलब देखे वो मतलब इसको देखने के बाद भी तुम्हारा अगर डाउट होगा तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना और ये नोट्स रिवाइज कर लेना, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट धांसू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर यूनिट 7 ऑफ चैप्टर 1 कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा।